हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूँ सोनिया शर्मा। तो आज की रेसिपी है कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा और कड़ा प्रसाद की वो भीनी भीनी खुशबू भी याद आ गई होगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं कड़ा प्रसाद बनाना। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा, मैं यहाँ चक्की वाला आटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पैकेट वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चक्की वाला आटा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा दरदरा पिसा हुआ होता है जिससे स्वाद बेहतर आता है। एक कटोरी चीनी और एक कटोरी घी। घी लेने में कंजूसी बिल्कुल मत करना क्योंकि असली स्वाद तो घी से ही आएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे घी। मैंने लिया है यहाँ पे पैन, आप चाहें तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें धीरे धीरे करते हुए अब हम आटा डालेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घी ज़्यादा गर्म ना हो। अगर घी ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारा आटा डालते ही जल जाएगा। हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पूरा ये हलवा लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करें और लगातार चलाते रहें। इससे दो काम होंगे, एक तो आटा अच्छे से भुनेगा और दूसरा आपकी हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हुए ना एक पंथ दो काज। अब हमारा आटा हल्का ब्राउन हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। आप चाहें तो गर्म पानी में भी चीनी घोल के डाल सकते हैं। यहाँ मैं चीनी ऐसे ही डाल रही हूँ। अब चीनी और आटे को अच्छे से मिक्स करें लगातार चलाते हुए, और ध्यान रहे चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अब आप देख सकते हैं कि चीनी आटे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम 1.5 बड़ा कप गुनगुना पानी डालेंगे। पानी डालते हुए आटे को चलाना बंद ना करें, इसे लगातार चलाते रहें। और अब यहाँ चलाने की स्पीड को थोड़ा तेज कर लें। अगर इस स्टेज पे आटा अच्छे से नहीं चला तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आटा धीरे धीरे टाइट हो रहा है। और हाँ, जब भी आप आटे में पानी डालें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा और खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो अब हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं। आप चाहें तो हलवे पे गार्निशिंग के लिए ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं तो कड़ा प्रसाद ऐसे ही बहुत स्वाद लगता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक